हेलो फ्रेंड्स, आज हम मधुबनी फिश ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, टुडे वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ मधुबनी फिश। तो सबसे पहले मैंने चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ किया है, ऐसे डबल लाइन। ठीक है, इस डबल लाइन के अंदर हमको ऐसे फिलिंग देना है, जैसे हमेशा मधुबनी में करते हैं हम। ठीक है, और पूरा कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, ये हमने फिलिंग दे दिया, वी डिड फिलिंग ऑफ बॉर्डर। अब यहाँ पे हमको बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं, सिंपल सेमी सर्कल, अगेन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अगेन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ऐसे करके हम चारों तरफ इसको बॉर्डर देंगे। ओके, तो ये पूरा हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपका चॉइस है, आप इसको यहाँ पे भी फिलिंग दे सकते हो इफ़ यू वांट मोर हैवी बॉर्डर। ठीक है, अगर आपको हैवी बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ भी फिलिंग देना, और अदरवाइज आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। हम इसमें अंदर कलरिंग करेंगे। सॉरी। ठीक है, तो अब ये टोटली योर चॉइस। अब हम अपना फिश ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो नीचे हमने बॉर्डर में लोटस सीखा था, रिमेम्बर? एक पैटर्न, लीफ जैसे, लीफ का शेप होता है, साइड में आप एक एस ड्रॉ करोगे और इसको जॉइन कर देंगे। ठीक है, स्पेस लेके फिर से एक एस एंड जॉइन, एस जॉइन। ठीक है, ऐसे इधर आएगा जॉइन। इसको बिल्कुल मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ली जो है एसिमेट्रिकल ड्राइंग होता है। ठीक है, ये लोटस आ गया है हमारा। ओके, और अब हम इसको डबल लाइन कर देंगे, बाहर है ना, जैसे आउटलाइन देते हैं। और इसके अंदर ये सेम लाइन फिलिंग। ठीक है, ये लाइन फिलिंग आ गई है हमारे। अब हमको स्टार्ट करना है अपना फिश। तो फिश के लिए क्या किया है, हम दो फिश ड्रॉ करेंगे। सेम डिज़ाइन ले लें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और ऐसे एक सेमी सर्कल जैसा। ये नीचे, ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे एक लाइन, इस लाइन पे ऐसे ऐसे कर्व, और अब आप इसको जॉइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन, और ये यहाँ पे इसकी आईज आएंगे, आईज के साथ सॉरी स्माइल आता है। ठीक है, अगेन पार्टीशन। अब इसको ऐसे, मैंने फिलिंग पैटर्न बताया था एक बार जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 में, ऐसे यू शेप।
ठीक है। ऐसे फीलिंग आएगा उसके बाद। ठीक है, एक और पार्टीशन, यहाँ पे हम सिंपल लाइन ले लेंगे, डबल लाइंस। ओके, अब ये जो एरिया था सी, ये पार्टीशन से ये यहाँ क्लोज, यहाँ क्लोज, और इसको फिलिंग दे देंगे। ओके, ये जो लाइन है एंड वाला, इसको अगेन डबल, और इसमें सेम वही लाइन फिलिंग। ठीक है, अब ये जो एरिया है यहाँ पे हम छोटा सा लोटस दे देते, ये तो ये नॉर्मल सिंपल सिंपल फ्लावर देते, लोटस ने हमने ऑलरेडी कर लिया ऐसे। ओके, और ये जो लाइंस हैं ये सब के अंदर फिलिंग आएगा। ऐसे सेम लाइन फिलिंग। अब हम फिश को भी आउटलाइन देंगे, पूरे फिश को आउटलाइन दिया और यहाँ पे अगेन फिलिंग। मधुबनी में हमको हर चीज़ को डबल लाइन देना होता है। हाँ, इन केस आप कोई पेंटिंग कर रहे हो और उसमें आपने फिश बनाया है जो छोटा पार्ट है उस पेंटिंग का, तो आप अगर डबल नहीं करोगे, छोटी सी फिश है तो फिर डबल मत करना। बट ये पेंटिंग ही हम पूरा फिश का बना रहे हैं, फिश इसका मेन एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा फिश। एक थोड़ा और, एक और डिजाइन का फिश कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल फिश, इजी वाला। सेम स्टाइल। ठीक है, पार्टीशन, आईज और स्माइल। अब ये जो पीछे साइड है, टेल जो है, एक वी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उस वी को हम कवर कर देंगे ऐसे। इसके अंदर पार्टीशंस, अब पार्टीशंस के अंदर हमको ड्राइंग देना है। जैसे रिमेम्बर हम लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ किया था। ठीक है, अब ट्रायंगल हो गया। आपको और भी सिंपल फिलिंग देना है तो आप लोग सर्कल ले लो। ठीक है, और ये जो एंड है यहाँ पे फ्लावर दे दो। अब ये इसका फिश का टेल है, तो टेल के अंदर हम सर्कल दे दिया, ये वाला दे देते। याद है हमने डबल वाला भी किया था बिल्कुल इनिशियल। ठीक है, अब पूरे फिश का आउटलाइन, आउटलाइन के बाद में फिलिंग। अब बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल एसिमेट्रिकल ड्राइंग होता है ये। मैंने बोला जितना इनोसेंट ड्राइंग होगा उतना अच्छा लुक आएगा, कोई मेजरमेंट नहीं है।
ठीक है। तो अब ये हमारा ड्राइंग हो गया है, अब हमको इसमें कलरिंग करना है। तो कलरिंग के लिए आपको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपका चॉइस है, कोई भी ब्राइट एंड लाइट कलर शेड्स आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे लोटस है, लोटस के लिए हमने पिंक लिया। आप पिंक, रेड, जो भी आपको मन है आप ले सकते हो। यू कैन यूज एनी कलर फॉर लोटस, फ्लावर कलर ओनली। ठीक है, लोटस में कलर हो गया है। अब हमको फिश के लिए कलर करना है। उससे पहले वाटर, तो आप ऐसे ऐसे ये डैश सबको आते हैं, हम जैसे वाटर की फिलिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरे में फिल करना है। ठीक है, ये हमने वाटर का फिलिंग दे दिया, कंप्लीट है। अब अपन फिश को स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फिश। मैंने रेड कलर लिया इसके लिए मधुबनी में, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ब्राइट कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिश का फिलिंग हो गया। अब ऐसे ही ऊपर वाली फिश के लिए आपको करना है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप इसको लो। आप ऑल्टरनेट कलर्स भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हम रेड करते हैं। ठीक है, एक रेड किया, एक रेड किया, और ये जो सेंटर वाला था इसको येलो कर दिया। कोई भी कलर आप ले लो, जैसे आप जब छोटे थे और आप कलरिंग करते थे, जो मन में आता था करते थे, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेम मधुबनी है, कलरफुल, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कलर्स के लिए। ओके, तो ये अब हमारा कंप्लीट हुआ है। मैंने बॉर्डर को कलर कर दिया है ऑल्टरनेट कलर से। तो जैसे मैंने कहा था, या तो आप बॉर्डर ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको डबल लाइनिंग दे सकते हो, आपका चॉइस है, टोटली योर चॉइस। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ रहे हो, यहाँ पे लाइन फिलिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे कलर देना होगा। तो ये अपने आप से फिर हैवी हो जाएगा। ओके, और आप ऐसे कर रहे हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैवी करना है तो गिव डॉट्स। तो जो हमारा फाइनल पेंटिंग है वो फिर ऐसे दिखेगा। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मीट टुमारो।